सो ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और हमारा आज अचानक सा प्लान बना, 2 बजे हम घर से निकले और हमने जाना है दीवा। 11-12 किलोमीटर का ट्रैक है, लगभग 4-5 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए और 4 बज गए हैं। और ये एक लास्ट गांव है, मतलब ये गांव रोड से 6 किलोमीटर दूर है और एकदम रिमोट गांव है। साथ में मेरे अरुण और प्रिंसू, दोनों मेरे भांजे हैं। कैंपिंग कराया जा रहा लोंडो को। ना तो गाँव ना नहीं, पजना से नहीं। हाँ तो पजना गाँव से ना हम नहीं पूछ रहा था। और जो पार में तू ओके वो जो पांच साल को दे हाँ वो ननछू जा और वो पांच तरफ जो टंडोला टंडोला हाँ यू पजना से। अच्छा ठीक है, चला जी लगा है। हाँ दी वाला की। हाँ तो थोड़ा सा आगे पे आ गए हम। और एक चीज़ का खतरा है कि रात हो जाएगी, बट हमने शॉर्ट आउट किया है कि रात भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम आराम से निकल लेंगे। जहाँ तक हमें पॉसिबल लगेगा हम जाएंगे और जहाँ पे से पॉसिबल नहीं लगेगा हम वहाँ पर अपना कैंप लगा के और बस सो जाएंगे वहाँ पे। फिलहाल आगे के नज़ारे देखो, एकदम से घाटियों के बीच में वो देख रहे हो वहाँ से, वो छोटी बड़ी वाली, और एकदम घाटियों के बीच में ये लोगों के खेत हैं, जो अभी पीछे गांव था पजड़ा उनकी खेती है यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे 2 साल पहले आया था, तो उस टाइम पे कोई और हमको लेके आए थे, कोई भाई थे, पर अभी हमें रास्ता याद नहीं है, मतलब भूल गए रास्ता, पर फिर भी हम खोज लेंगे रास्ता, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। क्यों प्रिंसू ठीक है? ठीक है ना बस। तो बस चढ़ाई दिखाऊंगा ना तुम्हें, चढ़ाई ऐसी चढ़ाई भाई, एकदम ऊपर चढ़ना उस पहाड़ी पे, कितना बढ़िया कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है ना जंगल में, है लाल पीला, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा नॉर्मल ग्रीन। 2 घंटे स्ट्रेट चलने के बाद हम अभी भी अपनी मंजिल से थोड़ा सा दूर हैं, 5:46 और दिस इज़ द व्यू। सो अभी हमारा रास्ता चेक हो रहा है, अब थोड़ा सा रह गया, 1 किलोमीटर रह गया। कहाँ है ऊपर ये? हो भाई सीन देख रहे हो, और यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है जो कि बहुत बढ़िया बात है, मतलब इतने अंधेरे जंगल में एक स्ट्रीट लाइट और यहाँ पे एक छप्पर है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट व्यूज है भाई। वाला पहाड़ एक पीछे चौखा मत देखो उधर से कर भाई, क्या तगड़ी रेंज दिख रही है उधर माउंटेन्स की भाई। फ्रंट कैमरा क्या गाइस, वीवो पहुंच चुके हैं, खतरनाक ठंड हो रही है, इसकी सुन लो गाइस बहुत खतरनाक ठंड हो रही है। और ये हमारे ट्रैकर ने हमको गाइड किया भाई भाई, मतलब लाइफ का मतलब ना अभी तक का सबसे बेस्ट है हैंकर 27 मतलब भाई, बहुत आफत आई आने में, बहुत ही ज़्यादा आफत आई आने में। नहीं आई क्या वहाँ पे? तो सांस ही भूल गई थी नहीं हैंकर पर, फिर गए भाई भाई और टाइम से बहुत पहले पहुँच गई। वर्थ इट गाइस निकालेंगे अच्छी, अभी नहीं आई अच्छी, दूसरी आई है अभी अभी अच्छी नहीं आई भाई, मतलब पर ठीक है जैसी भी, और कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं हम ठीक उस वाली पीक पे जाने वाले हैं ठीक सामने। फिलहाल हमें भी थोड़ा यहाँ पे मामा और फोटो शूट के लिए प्लेस ढूंढ रहे हैं। ये रहे
GoPro भी हिल रहा है ये मेरे हाथों से, देख सकते हो आप व्यू देखो भाई साहब, मजा आ गया। और आज मतलब ब्लॉग्स मैं ही कर रहा हूँ शायद आज मामा का। हेलो गाइस, तो हम पहुँचने वाले हैं जहाँ पे से हम फोटो शूट करना चाहेंगे, दीपा मंदिर से हम नीचे आ चुके हैं थोड़ा 100-200 meters, फिर देख सकते हैं आप आगे कभी। और इधर पे फोटो शूट चलने वाला है अभी थोड़ी देर में। और आप इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी सर्च कर सकते हैं प्रिंस रावत 12, तो आप उसको फॉलो कर देना और पोस्ट आने वाली है और इसको देखें ये लगा है वन प्लस से पता नहीं बनने पे। गाइस हाथ तो पूरे सुन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हाथ कुछ काम के नहीं रहे। फिर मैंने आपके लिए ब्लॉग बना ही रहा हूँ मैं, इतनी ठंड में आपके लिए ब्लॉग बनाता रहूँगा इतनी ठंड में, देख लो हाथ पूरे काम नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे हाथ, देख सकते हैं हाथ का हालत सब। इधर फोटोज खींच रही, इधर भी फोटोज खींच रही है और इधर तुम्हारा भाई ब्लॉग बना रहा है। गाइस उधर का व्यू देख सकते हो आप भाई, क्या मार कसम यार। इधर हमारा पंछी उड़ने के लिए तैयार है, आज तो फूली रही मेरी हल्की हल्की, ज्यादा नहीं फूली। और गाइस देख सकते हैं दीपा, ओहो अब आपको थोड़ा साफ साफ दिखाऊंगा। और गाइस देखो सूर्य देख प्रकट होने वाले वहीं पे से ठीक सामने, आपको बहुत कम दिख रहा कसम से। वो क्या मैं भी हो गया बैंक इमोशनल हो गया यार, माँ कसम अजीब से ना इमोशनल फीलिंग आ रही है, बहुत अजीब। ओ भाई माँ कसम क्या खतरनाक लग रहा है यार, देखने को मिलेगा जैसे हमको हमने शायद हम बहुत नीचे सार गए, बहुत ज़्यादा नीचे से बड़ी चढ़ाई थी, फिर भी आई गई उतनी थकान तो लगी पर ज़्यादा नहीं। और आप देखो व्यू भाई साहब। लो गाइस मैं हूँ जो अभी तक ब्लॉग बना रहा था, यही है वो अभी तक जो ब्लॉग बना रहा था। गाइस ये देख सकते हैं आप व्यू, दिखा तो मैं आपको भाई साहब ये देखिए क्या हिमालय की क्या चोटियाँ दिख रही हैं हमें, ओहो। और ये सूर्यदेव उस चोटी में जा रहे हैं सामने, हम थोड़ा ही घाटियों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और आगे से दोनों कैमरा और एक बिस्कुट का पैकेट भी ले चलेंगे, एक थोड़ा खा लेंगे और अभी हम आगे जाएंगे ना। हाँ मतलब भाई साहब आप भी जरूर आना इधर, बहुत ही सुंदर सा। थोड़ा जैकेट उतार दिया है क्योंकि क्योंकि थोड़ी धूप आ चुकी है, तो गर्मी भी थोड़ी थोड़ी अब ठंड थोड़ा कम लग रही है गर्मी। और इधर फोटो खींची जा रही है काश मामा की रहे अरुण के, उस टाइम में मेरी भी आएगी भाई भी आएगी। अबे याद दिखा रहा कि
अगली बारी आएगी बारी यहाँ बहुत सारा कूड़ा कर रखा था, यहाँ कूड़ा मत करने, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कूड़ा उठा रहे माता के मंदिर में ऐसा मत किया करो दोस्तों, बहुत ही बुरा लगता है जब कोई ऐसे कूड़ा करकट इधर फेंक देता ये भाई मतलब। तो गाइज हमारा ट्रैक समाप्त हो चुका है और अब हम घर की ओर जा रहे हैं, तो मिलेंगे जो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 गाइज बाय बाय।